आज मैं सर्वाइव करना जा रहा हूँ 100 days इन रैंडम माइनक्राफ्ट सीड में, जहाँ मैं हर जगह घने जंगल है और यहाँ की विलेज काफ़ी स्पेशल है क्योंकि गांव वाले लिटरली आसमान में सोता है। हमारे मिशन है फुल्ली एंचेंटेड नेदराइट आर्मर, एक एमराल्ड बीकन और एलेक्ट्रा, और ये सब हमें करना है माइनक्राफ्ट को सर्वाइवल लोल में। मैं स्पॉन हो गया पहाड़ के ऊपर और वो क्या सीन है। मैंने आसपास में से कुछ लकड़ी काटी और सोचा है कि एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने की, लेकिन मैंने गलती से उन दोनों को ज़मीन पर रख दिया और उसके बाद मैंने उन दोनों को तोड़ा लेकिन वो ड्रॉप हो गया दूसरे साइड में। उसके बाद मैंने फिर से ट्री काटना शुरू कर लिया और मुझ पर एक माउंटेन गोट हमला किया और मैंने सब्र रखा। कुछ लकड़ी काटने के बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल में से एक वुडन एक्स बनाई और मैं गया और लकड़ी इकट्ठे करने के लिए। उसके बाद मैंने पहाड़ में से नीचे उतर गया और क्राफ्टिंग टेबल में से एक वुडन पिकैक्स बना ली और मैंने माइनिंग शुरू किया और कुछ स्टोन टूल्स बनाए। फाइनली शाम हो गया और मुझे लगता कि आज का दिन का लेंथ बहुत ही छोटा था और मैं गया सनसेट देखने के लिए। जैसे ही मैं सनसेट वाइब के साथ चिल कर रहा था, अचानक मुझे याद आ गया कि मेरे पास ना तो बेड है ना ही खाना। Run. फिर मुझे दो शिप्स मिली लेकिन मुझे तीन की ज़रूरत है बेड बनाने में, और उन दोनों दो रंगों की है, और मेरा कंक्लूशन है मैं कितना लकी हूँ। लेकिन मैं नहीं मरूंगा, मैं भागा बहुत तेज़ी से और एक छोटा सा घर बनाने के लिए खुदाई की और फाइनली मैंने ज़ॉम्बीज़ को मार डाला। और मैंने अपना पहली रात एक छोटी सी गुफा के अंदर बिताई। मैंने खाना खाकर और धीरे धीरे हेल्थ रिकवर करके समय बिताया और सनराइज़ का इंतज़ार किया। मैंने डे टू की शुरुआत नाश्ते के साथ की और मेन्यू में मेरे पास पिक मीट था। उसके बाद मैं एक पहाड़ पर चढ़ गया और फिर सीधे नीचे गया और माइन किया कुछ कोल, और कोल मिला। सो गाइस, वक्त आ गया है कि घर बनाने की और उसके लिए मुझे बहुत सारी वुड चाहिए, और लेट्स डिफॉरेस्ट। आखिर रात हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो मैं कहना भूल गया हूँ। हाँ, याद में आया, इस वीडियो बनाने में मुझे 60+ hours लगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। Day 3 मैंने अपने घर के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में शुरुआत की। ऑब्वियसली मैं यहाँ एक घर बना सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बर्फ़ के पहाड़ सही घर बनाते हैं। उसके बाद मुझे फिर से पहाड़ पर चढ़ना पड़ा और गाय को मारने पर मुझे अचीवमेंट मिला। फिर मैंने खाना खाया और वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन लकली मुझे एक रेवीन मिल गया। कूदकर मैं नीचे पहुँच गया। फिर मैंने एक ब्रिज बनाया और माइन किया कुछ आयरन ओर। मेरी इन्वेंट्री भर गई थी इसलिए मैं आयरन ओर नहीं पकड़ सकती थी, सो मैंने एक चेस्ट बनाई और मूव किया कुछ स्टफ, और फाइनली मैंने फर्नेस में आयरन को स्मेल किया। उसके बाद मुझे आयरन ओर मिला और फिर से मुझे मिला और बार बार मुझे मिलने लगा। फिर मैंने माइन किया कुछ कोल। उस सब माइन के बाद मैंने वापस अपने बेस में आया और वहाँ से फर्नेस से मैंने आयरन कलेक्ट की और मुझे एक और अचीवमेंट मिली, और मैंने आयरन के साथ मैंने आयरन पिकैक्स और बकेट बनाई। मैंने बेस में कुछ और
फर्नेस लगाई और स्मेल किया आयरन। फिर से माइनिंग के लिए गया लेकिन इस बार मुझे गोल्ड मिला। और माइनिंग के बाद मुझे फाइनली लैपिस मिला, एक रेडस्टोन मिला और मैंने बकेट से कुछ लावा कलेक्ट की और सीधे वापस अपने बेस में गया। बेस में वापस आने के बाद मैंने फर्नेस से आयरन कलेक्ट किया और अब मेरे पास है फुल आयरन आर्मर सेट और शील्ड। फिर मुझे अपने बेस से कुछ कॉपर मिला और इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है कि उसका उपयोग मेनली हम करते हैं लाइटनिंग रोड बनाने में। उसके बाद मैंने बेस को विस्तार किया ताकि मेरे पास काफ़ी जगह हो स्प्रिंट करने के लिए। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल में से एक लैडर बनाई और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए वाटर बकेट। और उसके बाद मैंने ऐड करना शुरू किया लैडर वन बाय वन। मुझे पहाड़ के पास पानी मिला और भर दिया। जब मैं वापस अपनी बेस में जा रहा था तो मैंने पहाड़ पर एक छोटा सा घर देखा। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मुझे श्योर है वो एक विलेज है। रास्ते में मैंने एक गाँव वाले को खिड़की से जागते देखा और मैंने सोचा कि उसका घर को नहीं लूटना। जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, ये गाँव है और मैंने छत तोड़ दी क्योंकि मुझे दरवाजे नहीं मिला। मैंने सीधे गाँव वाले के साथ ट्रेड करने के बारे में सोचा और मुझे एक अच्छी डील मिल गया, लेकिन मेरे पास कोल नहीं है, वो है मेरा बेस में। और मैंने खोजा, लकली मुझे एक चेस्ट मिल गया लेकिन उसमें बस आया नहीं था। कैमल जी बाद में मुझे कुछ किताबें मिला, उसके अलावा गांव में कुछ खास की चीज़ नहीं है, लेकिन गांव वाले के पास ऐसा चीज़ है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो है एमराल्ड जम। मैं सीधे गया और गांव वाले के साथ ट्रेड किया। बाद में मुझे कुछ शुगर केन मिला और सोचा कि एक फार्म बनाने की, लेकिन मेरे पास काफ़ी शुगर केन नहीं है, सो मैंने फिर से उन्हें बढ़ाने दिया। आखिर रात हो गई, मुझे लगता है कि आज का दिन मैं यहाँ गांव में रुकूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे इन फैंडम मॉब्स को मार डालना चाहिए। डे 25 मैंने कुछ शुगर किंग के साथ शुरुआत की और एक फार्म बनाने के फैसले लिया। तो दोस्तों, हमारा शुगर केन फार्म तैयार है। मुझे इससे बनाने में और ज़रूरत का सामान इकट्ठे करने के लिए जैसा कि रेडस्टोन लगभग 5 दिन लगा। मुझे इसमें से कम 200 शुगर केन मिलेगा। ये चलती फिलती रेल कार्ट शुगर केन को इकट्ठे करके इस चेस्ट तक लाएगी। उसके बाद मैंने वापस अपने बेस में आया और फिर से माइनिंग शुरू किया, लेकिन इस बार मुझे एमराल्ड जो मिला, गोल्ड मिला। आखिर मुझे अपना सुंदर डायमंड देखने को मिला और ये दूसरे तरफ में था, सो मुझे एक पुल बनाना पड़ा, फिर उसे पार कर लिया। एक अनुमान से मुझे लगता है कि यहाँ में लगभग 10-15 हीरा होगा और अभी के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि रविन्स अच्छा सोर्स है डायमंड जुड़ने के लिए और इसलिए मुझे बाद में और मिल सकता है। उसके बाद मैंने वापस अपने बेस में गया और फर्नेस से गोल्ड स्मेल किया और अब मेरे पास है फुट गोल्ड आर्मर सेट, लेकिन मैंने बाद में उसको बदल कर गोल्ड प्लस डायमंड आर्मर सेट रखा। फिर मैंने अपने बेस को और सुंदर बनाने के बारे में सोचा और शुरू किया ऐड करना डीप स्लेट स्टोन।
अब जब हमने बेस के बारे में बात की है तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ। सो गाइस, वक्त आ गया है कि घर बनाने की और